हाय हेलो नमस्कार, मैं ऋतुजा बागवे, आप देख रहे हैं बजूका टीवी। सर ने हमारी इतनी मदद की है तो हमको बिना बुलाया तो लगन पूरा ही नहीं हो सकता ना। ये आपके मेहमान। What nonsense is this, सर विजय? हम यहाँ पर बिजनेस डील करने आए थे, अपनी इंसल्ट करानी नहीं। तुम्हारे घर में लोगों को बात करने की तमीज सिखाई जाती है नहीं? ये बदतमीज है लड़की, ये तो हमारे मुंह पर दरवाजा बंद करने वाली थी। After all this, आई थिंक हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। माफ कीजिए, ऐसा मत कीजिए, ये सब मेरी गलती है और मैंने जानबूझ के नहीं किया, गलत करने से हुआ। वैजू सही कह रही है, हमें माफ कर दीजिए, आपका दिल दुखाने का हमारा बिल्कुल भी इरादा नहीं। सर माना आपसे गलती हो गई, पर आप नाराज मत होना प्लीज। जाइए, निकल जाइए। तुझे पता था ना बेजू, ये डील, ये लोग राणा के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, फिर भी सारा काम बिगाड़ के रख दिया तुमने। और चढ़ाओ इसे सर पर। नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। लड़ाई का तो जमाना ही नहीं था। पैचू दीदी कहाँ चली गई? तो ठीक है ना जया, हस्बैंड की डील फेल हो गई है, सारी मेहनत पर पानी फिर गया है उसके, और तुझे तेरे वैजू दीदी की पड़ी है। मुंह छुपाने लायक काम किया है उसने तो कहीं मुंह छुपा कर बैठी होगी। जब तक तो उसे पता नहीं था, तब तक तो वो उसे लग रहा था कि वो अच्छा ही कर रही है, इस टाइम कोई गड़बड़ नहीं किया। पर जब उसे भी पता चला कि भाई ये तो मेहमान है ही नहीं, तो उसके नीचे से भी धरती फट गई। उसे लगा कि अब तो मैं गई, अब तो सब चिल्लाएंगे, पर वैजू ने सॉर्ट आउट कर लिया सब। ऐसे ही शो को प्यार देते रहिए, वैजू को प्यार देते रहिए, सराहते रहिए, हम और अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करते रहेंगे। तो देखते रहिए माटी से बंधी दूर। नहीं नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, हमें तक तो बताया नहीं अभी तक कि ऐसे कुछ होने वाला है। हमको तो आगे की स्टोरी भी पता है, और अगर आप वीरा को एक साथ देखना चाहते हैं तो ऐसे अफवाहों पर विश्वास मत कीजिए।